<laughs> Assalamu alaikum, dear students. Muhammad Bilal is here, your chemistry teacher. <clears throat> I hope all of you are fine and are in good health. Today we will start the second portion of the alkyne, that is, the reactions of alkyne. The content of our today lecture is reactivity of alkynes. अल्काइंस की रिएक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे कि अल्काइन की रिएक्टिविटी किस तरह से है फिर हम एडिशन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे <coughs> जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन होगी एडिशन ऑफ एलोजन होगी एडिशन ऑफ एलोजन एसर्ट जिसमें हम एच की बात करेंगे फिर एडिशन ऑफ वाटर होगी दैन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड होगी तो वन बाई वन हम इन तमाम एडिशन को डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अलकाइंस अब देखें जो रेक्टिविटी ऑफ अलकाइंस हैं एक तो हमें ये बात बड़ी वाजह है कि अल्काइन के अंदर दोनों कार्बन आइटम के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये है कि जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है अल्काइन के अंदर वो कम हो जा वो जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्कि एंड अल्कैंस और इस इस लेस बाउंड बाउंड डिस्टेंस की वजह से कार्बन जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि जब भी दो बॉन्डेड कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ लेस बाउंड डिस्टेंस से क्लोज होंगी तो उसके रिज़ल्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस डिफ्यूज़्ड होंगे अगर इलेक्ट्रॉन लेस डिफ्यूज होंगे टाइटली पैक्ड होंगे दो बॉन्डेड आइटम्स के दरमियान तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं कर सकता अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं कर सकता तो रिएक्टिविटी जो है वो इसकी कम होगी तो सिमिलर इज़ द केस विद द दलकाइन यहाँ पर भी ऐसे ही होता है ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से दोनों कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और इसके नतीजे में ये होता है कि जो अल्काइन अल्कीन की रिएक्टिविटी है अल्किन की नस्बत जो है वो कम हो जाती है तो हमने इसमें समराइज किया है इन पॉइंट्स को के एक तो ये है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है दूसरा इसकी रिएक्टिविटी अल्किन की नस्बत कम है ड्यू टू तो लेस बाउंड डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम्स <स्थ> उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑडिशन इसका जो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे क्लास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम मुसलसल दूसरी दफ़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वो रिएक्शन है जिसको हमने अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था इसको हम कहते हैं सबैटियर सेंड्रन रिएक्शन यानी कि किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में या किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो वो सैचुरेशन की तरफ जाएगी अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल में चले जाएगा अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल में चले जाएगा सॉरी यहाँ पे इथेन आना है यहाँ पे इथिन लिखा हुआ बाई मिस्टेकन यहाँ पे इथेन आएगा तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि इथाइन के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड की है तो पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन ऐड की उससे हमारे पास इथिन की फॉर्मेशन हुई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल प्लाटीनियम एंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट दूसरे स्टेप प्लाटियम इथी, के इसी इथिन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है जो हमारे पास सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है और जो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये येटियर रिएक्शन है और ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है उसके बाद हम नेक्स्ट एडिशन की तरफ प्रोसीड करेंगे दैट इज द एडिशन ऑफ हेलोजन हेलोजें आपको पता है सेवन ए ग्रुप ऑफ टेबल है जिसमें आपके पास फलोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयाडीन होती है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें यह है कि टू मालिक्यूल ऑफ आर एडेड इसमें यह होता है कि जो पहला स्टेप है उसमें एक मालिक्यूल ऐड किया जाता है लाइक क्लोरीन का उससे ये होगा कि क्लोरीन के दो मालिक्यूल हैं दो क्लोरीन के आइटम्स हैं एक मालिक्यूल में वो दोनों वन बाय वन एक, एक कार्बन के साथ जो है वो आके अटैच हो जाएंगे और इसके नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलते हैं वन टू डाई क्लोरोथेन वन टू डाई इथीन होगा सॉरी वन टू डाई क्लोरोथेन नहीं होगा वन टू डाई क्लोरोथीन होगा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड अब ये जो वन टू डाई क्लोरोथीन है इसमें मज़ीद हम अगला क्लोरीन का मालिकुल जब ऐड करेंगे तो दो क्लोरीन के मालिकुल ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इसमें जब हम मज़ीद दो और ऐड करेंगे तो हमारे पास चार क्लोरीन के जो है वो एटम आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन वन टू टू टैट्रा क्लोरोथेन तो हमारे पास चार क्लोरीन आ चुकी हैं तो हमने इथाइन के अंदर हेलोजन को ऐड किया है और ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि हेलोजन की इसमें एडिशन हो रही है क्लोरीन और बलोरमीन जो है वो इसमें रिएक्ट जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं लेकिन जो आयोडीन है वो स्लोली रिएक्ट करती है तो एफिशिएंट रिएक्शन जो है वो क्लोरीन और बलोरमीन से होता है एडिशन ऑफ हेलोजन का तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन के बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर <coughs> यानी कि वाटर की एडिशन होगी अल्काइन के अंदर उसमें हम ये समझेंगे कि अब ये है कि इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं इसी अलकाइन में कि यह, यहाँ के हमने इथाइन ली हुई है ये वाटर ये है हमारे पास एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव ये वाटर को ही हमने सप्लिट करके लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो हमारे पास है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दीज आर कैटलिस्ट दैट आर यूज फॉर द एडिशन ऑफ वाटर इन टू तो द इथाइन और अल्काइन इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस होगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी क्लियर हेयर इज के यहाँ पे जब हम वाटर को ऐड करेंगे ये जो एच पॉजिटिव है ये एक कार्बन की तरफ चले जाएगा और जो ओ एच नेगेटिव है ये दूसरी कार्बन की तरफ चले जाएगा अब जब एच पॉजिटिव इस कार्बन की तरफ जाएगा ये बन जाएगी सी एच टू अब ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और ओ एच नेगेटिव इस कार्बन की तरफ चले जाएगा ये सी डबल बॉन्ड सी एच एंड सिंगल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ विनाइल कोहल अब ये विनाइल कोहल है अगले स्टेप में ये जो विनाइल कोहल है ये अपनी जो है वो अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज करेगा तो हम जानते हैं कि जब दो कंपाउंड्स का मालिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं आइसो मर्ज और इस फमला को हम बोलते हैं आइसोमरीजम तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ये जो विनाइल अल्कोहल है ये आइसोमराइज होगा यानी कि अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा इसमें ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगी ये सी एच थ्री बन जाएगा ये ऑक्सीजन डबल मॉड में आ जाएगी तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड है ये हमारे पास है एसट एल तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हो विनाइल अल्कोहल इज प्रीपेर्ड फ्राम और प्रीपेयर एसटल्डीहाइड इस हवाले से आपने इसको याद रखना है तो अगर हमारे पास और अल्काइन होगी मसला हमारे पास एक ऐसी अल्काइन है जिसमें दो से कार्बन ज़्यादा हैं अब इसमें तो ये इथाइन थी इसमें सिर्फ दो कार्बन थी अगर हम तीन कार्बन वाली अल्कइन ले लेते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पे कीटोन की प्रोड्यूस्ड होगी तो यहाँ कीटोन की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे हम यही पॉइंट हमने लिखा हुआ कि अदर अलकाइनस गिव्स कीटोन तो दलकाइन विच हैव मोर देन टू कार्बन एटम्स विल गिव केटोन एंड द इथाइन विल गिव एसिटाल्डिहाइड बाय द रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद हम फिफ्थ एडिशन की तरफ जाते हैं जो हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइड हाइड्रोजन साइड का फार्मूला होता है एच सी एन इसमें हमारे पास सिंपल इथाइन या अल्काइन में हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इथाइन है इसमें जब हम इस अमोनिया को ऐड करते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो ये है कि हमने कैटलिस्ट को लाजमी याद रखना है ये एल टू ओ थ्री और थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टम्परेचर है और ये एल टू ओ थ्री जो है वो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और ये एन एच थ्री जब इस इथाइन में ऐड होगी तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइल तो अब हम देखेंगे कि एन एच थ्री की हमारे पास जो है वो तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे सारी इसमें एडजस्ट हो जाएंगी और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे मिथाइल नाइट्राइल तो इसका फार्मूला भी जहन में रखिएगा तो अब ये मिथाइल नाइट्राइल बनाया है बाई द एडिशन ऑफ एन एच थ्री इथाइन इसके बाद अगर हम इथाइन में एथ्सियन को ऐड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो हमारे पास बन जाएगा कैटलिस्ट हमारे पास है क्यूपरस क्लोराइड सी यू टू सी एल टू है क्यूपरस क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड सिंपल है इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एकराइलो नाइट्राइल यह सिंपल है कि ये हाइड्रोजन यहाँ की इस कार्बन की तरफ चली जाएगी और ये साइनाइड ग्रुप जो है वो इस कार्बन की तरफ चला जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एकराइलो नाइट्राइल तो मिथाइल नाइट्राइल इज द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म

उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी एडिशन की तरफ प्रोसीड करेंगे सॉरी ये फाइव फिफ्थ एडिशन लास्ट एडिशन है हमारी अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड को हमने ऐड किया है तो हम इसको समराइज़ कर लेते हैं क्लास कि हमने किस किस की एडिशन को डिस्कस किया है हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया है ये हमारे पास सिंपल वो सबियर से सेंड्रंस रिएक्शन है जो हमने अल्केन की प्रिपरेशन का सबसे पहला रिएक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने ये भी बात की थी कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास वेजिटेबल घी की प्रोडक्शन होगी ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजिनेशन को ही कहते हैं उसके बाद हमने एडिशन ऑफ एलोजन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ केटालस्ट जिसमें हमारे पास जो है वो टेट्राक्लोराथेन जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट हमने एडिशन ऑफ एलोजन एसिड्स किया है जिसमें हमारे पास एच एक्स है तो यहाँ पे हमने एक बात ज़रूर देखनी है कि जब हम एच एक्स की एडिशन करते हैं या एच बी आर की एडिशन करते हैं तो उसमें हमने मैरकोनिकव एडिशन को भी फॉलो करना है तो यहाँ पे यही था कि इस कार्बन के पास सबसे लेस जो है वो हाइड्रोजन है तो ये नेगेटिव पार्ट जो कि ब्रोमीन है इसकी तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैरकोनिकव रूल तो हमारे पास वन टू डाइब्रोमोइथेन की फॉर्मेशन हुई है उसके बाद हमने डिस्कस की है एडिशन ऑफ वाटर जिसमें हमारे पास विनाइल अल्कोहल बना है विनाइल अल्कोहल आइसोमेराइज होने के बाद एसिटाल्डिहाइड बनाता है और एट द एंड वी हैव डिस्कस द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एच एंड वी हैव फॉर्म मिथाइल नाइट्राइल एंड इक्राइलो नाइट्राइल अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड रेलिवेंट टू दीज एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन द फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज़ वाई is इज़ लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन इसका आंसर हम सबसे पहले reactivity ऑफ अल्काइन में explain कर चुके हैं ये इसलिए लेस reactive है क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो ट्रिपल uh, बॉन्ड होता है और इसमें बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लेस भी होते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता इसलिए इसकी अल्कीन की नहीं जो है वो रेक्टिविटी कम हो जाती है प्रिपेयर डाई हेलो इथेन एंड टेट्रा हेलो इथेन फ्रामी इथाइन ये हमारे पास एडिशन ऑफ एलोजन के नतीजे में ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं तो ये रिएक्शन हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है कन्वर्ट इथाइन इंटू एसाट एलडीहाइड ये हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर का है तो एसट एलडीहाइड हम कैसे बनाएंगे तो वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक सल्फ्यू एज अ केटलिस्ट उसके बाद हमने कहा है कि प्रिपेयर एसीटोन फ्राम इथाइन तो अगर हम एक से ज्यादा कार्बन वाली अल्थाइन लेंगे उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमारे पास एसीटोन की प्रोडक्शन होगी तो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल एंड इक्राइलो नाइट्राइल ये दो कंपाउंड हैं जो कि हमारे आखिरी रिएक्शन में बने हैं बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया मिथाइल नाइट्राइल बना है बाय द एडिशन ऑफ एच हमारे पास इकराइलो e नाइट्राइल बना है तो स्टूडेंट्स दैट इज़ आवर टूडे लेक्चर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क मी थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेस्ट अल्लाह हाफिज़